नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए कौन कौन से बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। काफ़ी समय से ये रिक्वेस्ट मिल रहा था कि प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मार्केट में कौन कौन से बुक्स हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए, तो उसी पर बेस्ड ये वीडियो है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो भी बुक्स हमने आपके सामने रिव्यू किया है उन बुक्स को ऑलरेडी हमने परचेज किया है, उस बुक्स को अपने हिसाब से मैं रेटिंग कर रहा हूँ। लगभग 15 बुक्स इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। इन 15 बुक्स में से आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कौन बुक्स को पहले परचेज करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो झारखंड टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए वीडियो आता रहे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए अपना टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स टीजीटी पीजीटी के लिए झारखंड के अंदर, तो मार्केट में जब भी आप बुक परचेज करने के लिए जाएंगे तो बुक सेलर को जब भी आप कहें कि मुझे प्लीज़ वो झारखंड टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कोई बुक सजेस्ट करो या फिर बुक दो, तो कभी भी आपको कोई पब्लिकेशन इस तरह का नहीं मिलेगा जो कि झारखंड टीजीटी पीजीटी स्पेशल कोई बुक हो। ठीक है, मींस कि हमें मार्केट में ऐसे बुक्स खरीदने होंगे जो रेफरेंस बुक होंगे हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उन्हीं बुक्स को हम इस वीडियो में हम रेफरेंस के रूप में पढ़ सकते हैं। हालांकि वो स्पेशल कोई बुक्स नहीं है टीजीटी पीजीटी झारखंड के लिए, तो हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो सिलेबस में हैं हमारे, तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन से बुक्स खरीदेंगे और किस बुक में वो जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा किस बुक में हमें लाभ पहुँचेगा या लाभ मिल सकेगा, तो वही मेरी प्रायोरिटी होगा। उस बुक को मैं उतना स्टार दूंगा या कहें कि उस बुक को मैं ज़्यादा अच्छे से रिव्यू करूंगा, अपना अच्छा रिव्यू दूंगा। हालांकि जो भी सारे बुक्स हैं यहाँ पे, मैं जो भी बुक्स की बात करूंगा वो सारे के सारे बुक्स अच्छे हैं, इन सारे बुक्स को खरीद सकते हैं, वो आपके लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे ही अगर आप आगे आने वाले टाइम में NTA UGC नेट का भी यूज़ करना चाहें इन बुक्स को, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले झारखंड TGTPG का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड TGT का जो सिलेबस है 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस 2016 का जो सिलेबस था उसको ऑलरेडी हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। ऊपर में आई बटन दिख रहा है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन सा बुक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहला बुक की बात करें जिसे हमें खरीदना चाहिए या आपके पास ऑलरेडी ये बुक होगा, क्योंकि जहाँ भी जो भी यूनिवर्सिटी में आप हैं झारखंड के अंदर, तो यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस में लिया जाता है ग्रेजुएशन सिलेबस के लिए, या फिर PG में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, तो सतीश कुमार का अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस बुक को अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ इस बुक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री जानने के लिए सबसे ईजी लैंग्वेज में, या बोलें कि सरल भाषा में इसे समझने के लिए काफ़ी अच्छा बुक आप ले सकते हैं रेफरेंस के रूप पे। इस बुक को अगर हम मुझे अगर कहा जाए कि आप कितना स्टार दोगे, तो मैं 4.5 स्टार यानी 5 out of 4.5 स्टार देंगे। और अगर इस बुक की MRP की बात करें तो इस बुक का जो MRP रेट है 335 रुपीज़ है, तो इस बुक को आप ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है बुक में, हिस्ट्री बैकग्राउंड समझने के लिए लिटरेचर को, और इसमें जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे वर्क्स दिए हुए हैं लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में एज वाइज सारा जो टॉपिक है दिया हुआ है। बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं हैं, तो इसलिए मैं ये जो 0.5 स्टार है उसको हम इस बुक में से काटे हैं। झारखंड TGT PGT में जो भी सिलेबस हैं उनका बैकग्राउंड जानने के लिए काफ़ी है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है,
आपको YouTube में समझिए कि ये एक्सक्लूसिव वीडियो दे रहा हूँ मैं झारखंड TGT PGT का, आपको UGC नेट का या फिर यूपी का TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड TGT PGT का ये पहला वीडियो आप कह सकते हैं या एक्सक्लूसिव वीडियो कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का वीडियो बना रहा है जिसमें आपको इस प्रकार के बुक्स रिव्यू कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड बुक की बात करें तो नारायण सीरीज का ही, सतीश कुमार का ही वही बुक है जो पीछे हमने दिखाया, उसी बुक्स का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, थोड़ा शॉर्ट में ये लिखा हुआ है और इसमें इंडियन लिटरेचर को भी इंक्लूड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। बहुत सारे इंडियन राइटर को इसमें लिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें से दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी साथ में साथ उसका प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, इसलिए ये भी बुक काफ़ी अच्छा है। तो इसे भी हम 4 out of 5 star देंगे, MRP है 280, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक इसमें से नहीं है इसीलिए मैं ये स्टार थोड़ा सा मेरा कम है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बुक की बात करें तो लिटरेरी नेक्टार, प्रकाश बुक डिपो का सुधीर के अरोरा, काफ़ी शानदार बुक है। इसे मैं बोलूँगा दोस्त, अगर अभी तक आपने इस बुक को नहीं ख़रीदा है तो प्लीज़ इस बुक को ख़रीद लो, और इस बुक को जब आप ख़रीदेंगे तो खुद में लगेगा कि इसमें कंप्लीट जो मेरा झारखंड TGT PGT का जो सिलेबस है उसमें से बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत कम ही चीज़ ऐसा होगा जो नहीं दिया होगा। इसके बाद एक और बुक है, वो बुक का भी हम बताएंगे कि इन दोनों बुक्स को लेने के बाद आपको लगभग सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हालांकि इसमें हिस्ट्री नहीं दिया है, बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ, उसके लिए दो बुक आपको हमने पीछे के जो दो बुक दी आपको सजेस्ट किए उन दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ये थर्ड बुक है जो लिटरेरी नेक्टार, ठीक है। नेक्टार जिसका मतलब ही अमृत, मतलब कि लिटरेचर का जो अमृत पार्ट है, मतलब कि निचोड़ जो है इंग्लिश लिटरेचर का, वो इस बुक में आपको मिलेगा। सुधीर के अरोरा ने बहुत सारे बुक्स को रेफरेंस लेते हुए इस बुक को लिखा है, काफ़ी अच्छे से लिखा है। समझिए कि आप एक नोट्स आपको मिल जा रहा है, और बहुत सारे चीज़ें जो लंबे लंबे टॉपिक्स लिखे हैं उनमें से जो निचोड़ है उस चीज़ को लिखा गया है बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और बहुत ही अच्छे तरीका से लिखा हुआ है। तो इस बुक को ख़रीद सकते हैं, इसका MRP है 298, ठीक है। मे बी कि आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको अमेजन में मिल सकता है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये बुक ख़रीदना है, ये सारे बुक्स जो भी मुझे फ्लिपकार्ट या फिर amazon.com में अगर वो बुक हमें मिलेगा तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ से ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल में भी मुझे से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, नीचे का जो टी चल रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बुक है प्रकाश बुक डिपो का ही, अ हैंडबुक ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक हैंडबुक है, मतलब कि बहुत सारे बुक्स को हमने कि जैसा बताया कि सुधीर के अरोरा या प्रकाश बुक डिपो का, ये अच्छी बात होती है कि बहुत सारे बुक्स को कलेक्शन करके एक नया तरीका से उसको एज अ नोट्स जिस तरह से हम लोग बनाते हैं उस तरह से ये बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। हालांकि ये यूपी का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये पब्लिश किया हुआ बुक है सुधीर के अरोरा के द्वारा, लेकिन झारखंड TGT PGT के सिलेबस के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिलेबस लगभग मिलते हैं। तो इस बुक को आपको ख़रीदना चाहिए, ये भी बुक काफ़ी अच्छा है, 5 out of 5 star देंगे हम, MRP 398 है। अब चार बुक्स में से ये दो बुक्स जो प्रकाश का दो बताया और दो नारायण सीरीज का जो सतीश कुमार का बुक था वो आप ख़रीद सकते हैं। ये तो थे ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए, अब इंडियन लिटरेचर के लिए कौन कौन से बुक्स मार्केट में हैं वो ज़रा देख लेते हैं। इंडियन राइटर्स के लिए, इंडियन लिटरेचर को पढ़ने के लिए M.K. नायक का ये बुक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड से इनको नवाजा गया है, और इन्होंने काफ़ी खूबसूरती से ये बुक लिखा है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जिस प्रकार से ब्रिटिश लिटरेचर को समझने के लिए सतीश कुमार का बुक हमने आपको सबसे अच्छा बताया, उसी तरह से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए M.K. नायक के द्वारा ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस बुक को इंडियन लिटरेचर को समझने के लिए ख़रीदना चाहिए आपको बुक, इस बुक को भी स्टार देंगे, 4.5 MRP है इसका,
150। इंडियन लिटरेचर के लिए कुल 3 बुक, लगभग हम 3 बुक का हम इस वीडियो में सजेस्ट करेंगे, और इन 3 बुक्स में से सबसे अच्छा बुक मुझे लगा ये एम के नायक का बुक, ठीक है। सेकेंड बुक भी इंडियन लिटरेचर का ही है, ये प्रकाश बुक डिपो का ही है, देख सकते हैं आप। जैसा कि हमने नेक्टार बताया था और एक और प्रकाश बुक डिपो का बताया था, उसी का एक इंडियन लिटरेचर का बुक आता है। इसमें हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो इस बुक को भी आप ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड बुक है, जो कि आपका 2016 में, जो आप देखेंगे कि सिलेबस में जो पिछला 2016 में जो झारखंड TGT का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सिलेबस में ये रेफरेंस बुक दिया हुआ था, तो इस बुक को भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा टफ है, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आप शुरुआती दिनों में अगर आप लिटरेचर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में जो एम के नायक का बुक हमने आपको सजेस्ट किया, उस बुक को ख़रीद सकते हैं। फिर जैसे अगर आपको लगे कि थोड़ा एडवांस में पढ़ना चाहिए, थोड़ा लिटरेचर को थोड़ा और जानना चाहिए, UGC नेट की तैयारी करनी चाहिए, तो इस बुक को आप ख़रीद सकते हैं। इस बुक का MRP है लगभग 450 के आसपास, 425। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं अब। जब आप कुछ इन बुक्स को पढ़ लेंगे और थोड़ा डिटेल्स में और जानना होगा और थोड़ा बैकग्राउंड को समझना होगा, तो विलियम जे लॉन्ग, जो कि हर UGC नेट वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये बुक्स होता ही है। जिस तरह से TGT को पढ़ने के लिए हमने बताया कि सतीश कुमार का बुक ऑलरेडी होता है, तो उसी तरह से ये विलियम जे लॉन्ग, ठीक है। तो झारखंड TGT PGT के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप उन बुक्स को पढ़ लेंगे तो एज अ रिविज़न ये बुक आपका हो जाएगा, थोड़ा एडवांस में आप लिटरेचर को जान पाएंगे। तो ये भी बुक को आप जब उन बुक्स को परचेज करके पढ़ चुके होंगे, तो ये भी बुक्स आपको ख़रीदने चाहिए, जो मैं आपको लास्ट के इन बुक्स वीडियोज़ में बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग, ठीक है। इस बुक का MRP की बात करें तो MRP है 225। फिर एक और बुक है जो कि रघुकुल तिलक का, उसी तरह से जिस तरह से सतीश कुमार का बुक है, उसी तरह से रघुकुल तिलक है। ये भी बुक ठीक ठाक है, इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। ये भी बुक को आप ख़रीद सकते हैं। इस बुक को भी अगर हम मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो ये बुक आपको मिल जाएंगे 195 में, ठीक है। नेक्स्ट बुक है जो कि आपके 2016 का जो सिलेबस था, उन 4 बुक्स में, उनमें 4 कुल बुक दिए हुए थे, जो एक मैंने बताया KRS अयंगर का, जो इंडियन लिटरेचर का बुक हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया पिछले स्लाइड्स में, ठीक है। तो उस बुक के बाद ये दूसरा जो बुक एज अ रेफरेंस था 2016 के सिलेबस में, जो TGT PGT एग्ज़ाम हुआ था, उस सिलेबस में ये बुक भी रेफरेंस था। ये बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बुक आप खरीदिए, क्योंकि इसके लैंग्वेज थोड़ा टफ़ हैं। अगर आप एडवांस में अगर पढ़ना चाहते हैं, इन बुक्स को पढ़ लिए हैं, तो फिर आप जाकर इस बुक को भी ख़रीद सकते हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का ये बुक है, MRP है 175। नेक्स्ट आता है एक उपकार का बुक है NBS के लिए। इस बुक में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो अच्छी लगी मुझे पढ़ने पर, टॉपिक कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, तो इस बुक को भी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। NBS का ये बुक है, डॉक्टर BB जैन के द्वारा लिखा गया। इस बुक का भी MRP है 199। ये तो हमने बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए ये सारे बुक्स हैं, लेकिन 2016 के क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेटर राइटिंग से क्वेश्चन थे, तो उस सिलेबस में ही ये रेफरेंस के तौर पर लिखा हुआ था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस लेटर, फैक्स, मेमोज एंड ईमेल। तो इस बुक को आपको ख़रीदना चाहिए, या फिर इस तरह के कुछ और बुक्स अगर हैं आपके पास, या फिर मार्केट में अगर इससे बढ़िया बुक दिखे तो आप ख़रीद सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये बुक था, तो मैं आपको ये आपके सामने ये रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के भी बुक्स आपके पास होने चाहिए जो लेटर राइटिंग से रिलेटेड हों, और उनमें मे बी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों दिए हुए हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। इसका भी MRP है 245। अब बात कर लेते हैं ज़रा इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जो ऑक्सफोर्ड की बुक है, ये भी 2016 के सिलेबस में ये रेफरेंस बुक में था, तो इसे भी हमने शामिल किया है। तो इस बुक को भी आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के अलावा इस तरह के बुक्स अगर ऑलरेडी हैं,
जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं, तो एक जैसे सारे बुक्स लगभग एक जैसे होते हैं ग्रामर के, तो उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर का बुक अलग से कोई TGT PGT का कोई बुक्स नहीं आता है, ठीक है? तो आप उन बुक्स को ही परचेज किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं को पढ़ते रहिए। 260 इसका MRP है। जब इन बुक्स को आप जब पढ़ लेंगे तब आपके सामने आएगा कुछ सेट्स लगाने का या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का, तो उसके लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं। प्रकाश का और भी एक दो सीरीज आता है जो कि फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, तो उन बुक्स में ये कॉन्फिडेंस बूस्टर जो है ये एक सेट दिया हुआ था। हालांकि इसमें सिलेबस कुछ जनरल स्टडीज यूपी का दिया हुआ है तो झारखंड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंग्लिश पार्ट का अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए हम ये बुक खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा बुक नहीं है, 140 का है, आप इसे खरीद सकते हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि हमने यूट्यूब पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, MCQ मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है? और आने वाले टाइम में और भी इसी तरह के वीडियो डालेंगे, तो ऊपर में आई बटन जो दिख रहा है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को रेगुलरली देख सकते हैं, ताकि पढ़ने के बाद जब भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इस चैनल में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड MCQs होंगे, ठीक है? फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। और अगले बुक की बात करें तो अरिहंत का ये बुक है, जो ये भी बुक काफ़ी अच्छा है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का अगर वो सारे बुक्स अगर पढ़ लिए हैं तो ये बुक तभी जाकर आपको ख़रीदना चाहिए। हालांकि वो बुक्स अगर आपको ख़रीद लिए हैं तो काफ़ी, मतलब काफ़ी हैं उतना पढ़ना। अगर और भी डिटेल में जानना चाहते हैं UGC नेट तक, UGC नेट एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करें, तो इस बुक को भी ख़रीद सकते हैं। लगभग 500 के आसपास इस बुक का MRP है, इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। हालांकि इसमें MRP है 595, ठीक है? इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखा है। हालांकि वो वीडियोस बहुत पुराने हो गए हैं, मैं बहुत शुरुआत के दिनों में जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था उस टाइम हमने वो वीडियो बनाया था। अगर आप चाहते हैं कि फिर से मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए। तो इस तरह से आप उन क्वेश्चंस को प्रिंट लेके और उनको पढ़ा सकते हैं, सॉरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। अगर आप चाहें कि हम इसी तरह के झारखंड TGT PGT से रिलेटेड अगर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके इसी मोटिवेशन से हम वीडियो बनाते रहें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।